दोस्तों, ये मेरे पास रेडमी नोट 8 का मोबाइल है जिसको EMI अकाउंट लगा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फास्ट बूट पे लाऊंगा। अभी मैंने UMT ओपन किया है, तो UMT में जो टूल अभी नया अपडेट आया हुआ है, ये देखिए, रिबूट EDL फास्ट बूट जो है, अभी इसको फास्ट बूट से EDL मोड में लाएंगे। दोस्तों, अभी इसको फास्ट बूट मोड पे हम केबल लगाएंगे। अभी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है कंप्यूटर में, ये देखिए। अभी मैं क्लिक करता हूँ रिबूट टू EDL फास्ट बूट। देखिए, अनसपोर्टेड फ्रेमवेयर करके की रर है, यानी एक पता चल गया है कि EMI का जो है वो EMI, यानी ये वीवो का ऑप्शन है। कुछ लोग मुझे बोले थे कि इसमें EMI भी हो जाएगा, लेकिन EMI को आपको पिछला कवर ओपन करके EDL शॉर्ट करना ही पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसका बैक पैनल खोल के आपको बताता हूँ, जो शॉर्ट करके ये गन है हीटिंग के लिए। अब इसको हीटिंग करेंगे, आप लगे तो सेपरेटर का भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो ग्लू है अंदर चिपका हुआ वो लूज हो जाता है। चारों तरफ आपको हीटिंग कर देना है अच्छे से। ये पन्नी रह डालेंगे। चालू रहे हो, ये फॉलकॉन है, ये भी आप डाल सकते हैं, इससे थोड़ा ग्लू लूज हो जाता है। थिनर मत यूज़ करना, क्योंकि ये पिछला पैनल का जो कलर है वो खराब हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको निकाल दिया है। खाली आपको ये जो पिछला वाला थंब है वो कभी कभी टूट जाता है, तो आपको ध्यान से ये निकालना है। देखिए, ये मैंने अच्छे से, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, बैक पैनल अच्छे से निकाला है। अब क्या करेंगे, इसको वारंटी भी है, तो ये अंडर वारंटी में है। इसका जो ये जो लोगो है, इसको भी हम अच्छे से चिमटे से निकाल लेंगे, यानी वारंटी भी ख़त्म नहीं होगी। देखिए, ये वारंटी स्टिकर भी हमने अच्छे से निकाला है। अभी ये जब फिटिंग करेंगे तो इसको लगा देंगे, वारंटी स्टिकर को भी। दोस्तों, अभी इसको खोलेंगे। दोस्तों, कोई भी मोबाइल अनलॉकिंग करना हो तो उसका बिल कहाँ से लिया है उसका पता करना, आप कोई भी
मोबाइल विदाउट बिल या डॉक्यूमेंट आप अनलॉक मत करना। वो बंदे के पास बिल नहीं हुआ तो आप वो कहाँ से मोबाइल लिया है उसकी पूछताछ करना। उसके बाद में उसका वॉलपेपर पे उसके घर वालों का फोटो रहता है, उससे भी आप पता कर सकते हो कि वो मोबाइल उसका ही है। और जो मोबाइल चोरी का है या तो गुम गया उसको मिला है, तो जो बोलने में बात है ना वो गड़बड़ाता है, यानी उसको समझ में नहीं आता क्या जवाब दो। और नट आप सब लगा देना बाद में अनलॉकिंग के बाद में। आपने खोला है तो फिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमें पैसा देता है और कस्टमर भगवान से कम नहीं है। देखिए ये निकल चुका है, और इसका जो ईडीएल पॉइंट है, ये दोनों पिन है इसका ईडीएल पॉइंट, ये वाले दो पिन। अभी क्या करेंगे, बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। केबल है, मैं अभी इसको ईडीएल पे शॉर्ट करूँगा एक हाथ से। मुझे अभी यहाँ पे मैं करूँगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट FS, ये जो नया अपडेट आया है इसके ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी पुराने अपडेट में अच्छे से आदमी काम कर सकता था। यहाँ पे क्या सी एवरीथिंग इज लॉस कैंसल। अभी इधर फॉर्मेट बैकअप रीसेट FRP रीड पैटर्न रीड रीसेट लॉक्स। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रोटेक्शन फ्लैश या फिर शो रेडमी, क्या होता है इसमें कोई अभी नया अपडेट आया है वो आया है इसमें कुछ करेंगे, कुछ IMEI नंबर या तो कुछ फॉर्मेट हो गया है तो ये मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ओल्ड जो सेटअप है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये समझ के बाहर है। क्या होता है, आपने को जो चीज़ मालूम नहीं है ना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसा रहता है कभी कभी मोबाइल गलत ऑप्शन ऑन करके सॉरी ऑप्शन आपने चॉइस किया और मोबाइल फॉर्मेट हो गया है तो उसका डेटा भी जा सकता है। तो मेरे को रिस्क नहीं लेने का, तो मैं उसका पुराना वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुराने वर्जन में भी काम होने वाला है। तो नया किया क्या पुराना किया क्या, काम होने से मतलब है। तो ये जो वर्जन है इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए, यहाँ पे इजीली हम यहाँ से इधर फॉर्मेट FS करेंगे और इधर क्लिक करेंगे तो इसको यस कर देंगे। इजी है, यहाँ पे आपने लिया तो हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने EDL केबल डाला, एक एक से एक हाथ से मैं इसको दबाऊंगा, एक हाथ से इधर चिमटे से इसको शॉर्ट करूंगा और ये डाल दिया। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। दोस्तों कोई वीडियो इसमें कटिंग नहीं हुआ है, जो है वो पूरा लाइव है। फॉर्मेट हो गया है, अभी FRP भी आ गया है, इसको यस करेंगे। देखिए FRP रिसेट हो गया है, फिनिश भी हो गया है। अभी आ गया अपना YMI अकाउंट। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इधर जो ऑप्शन है देखिए शो मी स्पेशल, यहाँ पे मैं रिसेट या मैं न्यू वर्क यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको फिर से वही प्रोसेस जो अपना इसको इधर केबल और इधर शॉर्टिंग और यहाँ से मैंने केबल लगा दिया। देखिए कनेक्ट हो गया है। ये मैं देखिए पैच हो गया है, राइटिंग डाटा रीड डाटा। देखिए फिनिश हो गया है।
अभी इसको क्या करेंगे, केबल निकाल देंगे, इसको पावर दे, पावर भी इसको निकाल के इसे लगा देंगे और इसको चालू करेंगे। देखिए चालू हो गया, अभी इसको बूटिंग में बहुत देर लगेगी, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। दोस्तों मोबाइल ऑन हो गया है, मोबाइल चालू हो गया है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी वाईफाई जोड़ने से फिर हमारा अकाउंट लॉक हो जाता है, तो इसको भी हम सॉल्यूशन है इसका भी, अपने पास सेटिंग में जाना है, अबाउट वर्जन को यहाँ पे जो वर्जन है इसको 4 बार प्रेस करेंगे। अपने को क्या करना है, डेवलपर मोड यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तो बैक किया से अबाउट फोन, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो OEM अनलॉक करना है, इसको इनेबल कर देंगे। इसके बाद में इसको DB ऑन कर देंगे, ओके। अभी इसको केबल लगाएंगे USB, इसको केबल लगा दिया। देखिए यहाँ पे अभी ADB लिया है उसने, यहाँ पे अभी इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे UMT में आना है आपको, और यहाँ पे एंटी रीलॉक करके ऑप्शन है, यहाँ पे एंटी रीलॉक किया मैंने, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको ओके करना है। देखिए यहाँ पे अभी फेल हो गया फिर से, देखिए सर्चिंग डिवाइस फाउंड हो गया, देखिए डिसेबल MI रीलॉक वेरीफाई, ओके डन। देखिए अभी ये क्या हुआ, आप जब भी वाईफाई कनेक्ट करोगे तो आपका मोबाइल लॉक नहीं होगा, ये मोबाइल रिसेट होगा। देखिए अभी ये फिर से चालू होगा ओके कंडीशन में, ये देखिए ये उसका डिसेबल MI अकाउंट रीलॉक वेरीफाई ओके। अभी इसको क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे और बैक पैनल लगा देंगे। वारंटी स्टिकर चिमटे कूड़े वीडियो साले
इसको रबर लगाना पड़ता है, लेकिन अभी है रबर अपने पास नहीं है, तो मैं अभी टेप से काम चला लेता हूँ। ये टेप है ना, घरी गेले का काढून टाका, वाळला का जी टेप है ते पॅनल जोडला ना त्या टेप।